कॉल इंडिया से यार को लेकर। इस बीच कोल इंडिया के लिए एक अपडेट आते हुए दिख रहा है। अभी ये लाइंस आपके लिए फ्लैश भी हो रही थी, इस पर भी रखनी है आपको नजर। काबिल जो 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जॉइंट वेंचर है, ये अब एक्सप्लोरेशन शुरू कर रहा है ओवरसीज क्रिटिकल माइंस अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चिली में, ये खबर आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही कोल इंडिया ने भी एक एक्सप्रेशन ऑफ एक RFI फ्लोट किया है इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स के लिए चिले में। तो ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। तो एसेंशियली क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन जो अब्रॉड हो रहे हैं उसमें भारतीय कंपनीज भी एक कदम उठा रही हैं और कोल इंडिया भी उसमें आपको शामिल होते हुए दिख रहा है। ये आपके लिए अभी अभी अपडेट आ रहा है तो नजर रखेंगे। ऑलरेडी नतीजों पर आपको रिएक्ट करते हुए दिख रहा है स्टॉक, और उसके बाद ये खबर भी अच्छी आ रही है कि ओवरसीज क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए कंपनी भाग भी ले रही है। अब देखते हैं इससे क्या निकल कर आता है, बट कोल इंडिया बैक टू बैक अच्छी खबरें जरूर आ रही हैं। 536 पर स्टॉक भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अनिल जी ने तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी कन्विक्शन कॉल दे ही दिया है। 555 तक के टारगेट ट्रेडिंग के लिए हैं, 625 दिवाली तक के टारगेट निकल कर आ रहे हैं कोल इंडिया के लिए। यहाँ पर रखेंगे नजर, एक चार्ट चेक जरूर ले लेते हैं जय। कोल इंडिया के लिए अब इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स बता दें, क्या करना चाहिए इस चार्ट में, और अगर इन लेवल्स पर भी ट्रेड इनिशिएट करना हो तो क्या सलाह रहेगी? ये करना चाहिए बिल्कुल, बिकॉज एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई ये स्टॉक में बनाया है आज अगर आप देखेंगे तो। एंड जो हिसाब से ये स्टॉक में अभी फाइनली 3 जून के हाईज निकले हैं, सो वो पूरा निकाल दिया, बजट के टाइम के हाईज निकाल दिए, तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक अप ट्रेंड में फ्रेश मोमेंटम बन रहा है यहाँ पे मेरे हिसाब से। दीप अभी ये ट्रेड कर रहा है जो हिसाब से 538 528 का आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। सो ये 10 पॉइंट का केवल क्लोजिंग बेसिस पर आपका रिस्क है। अगर 528 के नीचे बन जाता है तो वन कैन एग्जिट, अदरवाइज वन कैन बाय फ्रेश। टारगेट्स ऊपर में इसके दीप इमीडिएटली तो बनते हैं 553 के, 553 जो ये चैनल टारगेट है। पोजिशनली और भी लंबे टारगेट्स आपको 570-575 पर देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया, जहां पर आपको रखनी है नजर।